आखिर वो दिन आ गया, राजा लौट आया। राजा के आगमन में उनकी प्रजा इंतजार कर रही थी। उनके लोगों को मार के खाने वाले राक्षस से सिर्फ उनका राजा ही बचा सकता है, इसका भरोसा था। एक प्रजातांत्रिक देश में मैंने सर्विस ज्वाइन करने के बाद उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, फिर मैंने ढूंढना छोड़ दिया। 70 करोड़ लोगों के बीच इतना बड़ा साम्राज्य, इतनी बड़ी व्यवस्था, कैसे? इस बात की परवाह भी है? वहां कौन जीता इसकी दिलचस्पी भी? कमिश्नर बदल कर आ रहा है, ये कोई खबर है? सर, खबर पोस्ट देखकर नहीं बनती, उस पोस्ट पर जो पर्सन आ रहा है उसे देखकर बनती। एक माफिया साम्राज्य का राजा हो गया, उसकी अमानवीयता को नियंत्रित करने के लिए कोई अंकुश नहीं था। ये सरकार को अच्छे से पता था। अंत को इतिहास में मिलाने के लिए केंद्र सरकार ने एक कठोर निर्णय ले लिया था। क्या है उसका स्टेटस? नोटोरियस असासिन, नाउ रिटायर्ड। रिटायर्ड? वो क्या? उस बारे में तो कुछ लिखा नहीं, अब क्या करें सर? उससे तो मैं निशाने पे रख के मारूंगा। तेरा काम खलास। जिन लोगों ने उसका हाथ पकड़ा, उसने आखिर तक उनका हाथ नहीं छोड़ा। उसके वजूद को वो लोग आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे। वो एक वीर योद्धा की तरह आगे से वार करता है, कायरों की तरह छुपकर पीछे से नहीं। एक सड़े कुत्ते को मारने के लिए इतने सारे राक्षसों का क्या जरूरत है मेरे भाई? वो कुत्ता नहीं, शेर है। तो फिर उस शेर को हम कुत्ते की मौत मारेंगे। आप सिर्फ एक इशारा कर दो